व्हाट्सअप माई यूट्यूब फैमिली, दिस इज सिन मूवीज आज। एंड कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, आप देख रहे हैं श्री साइन न्यूट्रिशन। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। गाइस, आज हम बात करने लगे हैं एक बहुत ही नेचुरल प्रॉब्लम की, दैट इज हेयर लॉस। बिकॉज बहुत लोग कहते हैं कि यार हमारे जो हेयर है वो गिरने शुरू हो जाते हैं, एंड उसका भी क्या रीज़न है, क्यों गिरते हैं, एंड उससे हम कैसे बच सकते हैं, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, पहली बात ये आती है कि हमारे बाल टूटने क्यों शुरू होते हैं। सो फर्स्ट रीजन इज दैट कि आप कोई मेडिकेशन या आप कोई मेडिसिन ऐसी ले रहे हैं जो आपके साइड इफेक्ट कर रही है, आपके हेयर्स के ऊपर इफेक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा, या फिर आपका जो जेनेटिक्स है वो ऐसे हैं। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, लाइक आपकी एज मैटर करती है। एंड हाँ, अगर आपकी एज से पहले हेयर लॉस हो जाए, मतलब लाइक आपका 20 में ही हेयर लॉस हो जाए, बिकॉज मैंने बहुत लोग देखे हैं उनके 20 में भी हेयर लॉस हो जाते हैं। गाइस, इसका एक और रीज़न रहता है कि आपका न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, आप अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, तो करके भी हेयर लॉस हो जाता है। सो गाइस, अगर हम बात करें अब इनको हम कैसे सही कर सकते हैं या इससे हम कैसे बच सकते हैं, बिकॉज इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही क्लियर होते हैं। लाइक हमारे सिर के बीच में पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, या हम जब भी हम अपने बालों को थोड़ा बहुत भी ऐसे करके खींचते हैं तो उसमें से अगर आप 10 बाल भी खींचेंगे तो उसमें से अगर आपके 6-7 बाल बाहर आ जाएं तो इसका मतलब है कि आपका हेयर लॉस हो रहा है। एंड अगर आपके 2-3 बाल आए तो वो एक नेचुरल है यार, कई हेयर जो वीक होते हैं वो कई बारी हाथ लगाने से बाहर आ जाते हैं। एंड आपके हेयर वीक है बहुत ज़्यादा तो इसलिए भी हेयर लॉस का रीज़न बन जाता। एंड गाइस, एक और चीज़ अगर हम बालों को लेके बात करें, बिकॉज बहुत लोग हैं कि यार, बहुत यूथ ही कह लीजिए कि यार ड्रायर मारना है रोज। सो चलो हम हेयर स्टाइल की बात नहीं कर रहे, बट ये भी एक मेन रीज़न रहता है, बिकॉज हम हेयर के अंदर अपने हीट प्रोवाइड करते हैं तो उससे भी हमारे हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। एंड ये कीजिए नो डाउट, हेयर स्टाइल सब ने बनाना है, बट इन अ वीक, इन अ मंथ ऐसे कीजिए। अगर आप रोज़ करेंगे तो हीट जितनी प्रोवाइड होगी, बिकॉज ड्रायर के अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा वीक होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आप जो हेयर स्टाइल है वो बहुत थोड़े टाइम बाद बनाएं, रोज़ ना कीजिए, ये भी एक मेन रीज़न रहता है इसका। एंड अगर हम बात करें कि इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, तो अब हम बात करेंगे उसके बारे में। देखिए, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, लाइक आप हेड मसाज लीजिए, आप कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए, आप जैसे कि हर यूट्यूबर या जितना हद तक मैंने स्टडी किया बहुत लोग बोलते हैं कि आप अनियन को ऑयल में मिक्स करके अपने सिर पे लगाएं, उससे भी हेयर लॉस होता है। तो ये भी एक सॉल्यूशन है कि हो जाता है इससे, या हेयर लॉस होना रुक जाता है। तो ये एक सॉल्यूशन थे, बिकॉज गाइस एक ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का जो हमारे बाल है, इससे हमारी एक पर्सनैलिटी नज़र आती है। यह बहुत लोगों को शौक होता है कि यार हमने नए नए हेयर स्टाइल रखने हैं, एंड लोग चेंज भी करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हमारे बाल वीक होने शुरू हो जाएं एंड टूटने शुरू हो जाएं, तो हमारे माइंड के अंदर टेंशन होनी शुरू हो जाती है। एंड अगर मैं टेंशन की बात करूं तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही रहता है कि आपका स्ट्रेस, या आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रेस है। जितना हद तक मैंने स्टडी किया वो तो यही बोलते हैं कि जितना स्ट्रेस होगा उतना आपका हेयर लॉस होगा, ये बिल्कुल सच बात है। एंड अगर आप स्ट्रेस लेना बंद कर देंगे एंड जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसको ट्राई करेंगे, यूज़ करेंगे, एंड जो आप रोज़ काम कर रहे हैं जिससे हेयर लॉस होने की प्रॉब्लम होती है उसको बंद करेंगे, तो होप सो एंड डेफिनेटली यार रिजल्ट 110% आपको मिलेंगे। बिकॉज बहुत लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि आज का यूथ ऐसा है कि वो हेयर स्टाइल बनाने में लगा हुआ है, लोगों को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है,
बट फिर बाद में आगे जाके प्रॉब्लम आती है। गाइस देखिए, अगर हम नेचुरली बात करें हेयर लॉस की, तो हो सकती है जेनेटिकली, कहीं होते हैं लाइक आपके मदर फादर जिनके हेयर लॉस जल्दी होना शुरू हो जाता, तो उसकी वजह से भी हेयर लॉस होता है, बट वो तो एक नेचुरल है। उससे अगर हम यही प्रोटेक्शन लें या यही प्रिवेंशन लें, तो इससे हम थोड़ा बहुत अपने हेयर लॉस को रोक सकते हैं। सो आज के लिए बस यही था, एंड मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। सो आज के लिए अलविदा, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज भाई आप लोग वीडियो देख लेते हो, लाइक नहीं करते ना सब्सक्राइब करते, तो प्लीज़ कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है। एंड थैंक यू सो मच।